नमस्कार। तो आज आप हम जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड यानी कि जेपी एसोसिएट स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। जेपी एसोसिएट में पिछले 2 दिनों से काफ़ी गिरावट नज़र आ रही है। तकरीबन आज भी 6% की गिरावट हो चुकी है, कल भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में स्टॉक के अंदर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मीन्स काफ़ी गिरावट हो चुकी है। काफ़ी सारे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के भी शेयर से स्टॉक के अंदर तकरीबन 10% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले पिछले 2 दिनों में। न्यूज़ की भी बात की जाए तो रिसेंटली कोई खास अपडेट नज़र नहीं आ रहे रिगार्डिंग जयप्रकाश एसोसिएट स्टॉक। पर चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो इम्पोर्टेंटली स्टॉक रिसेंटली यहाँ पे देखा जाए तो 22-23 लेवल के करीबन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है, और रेजिस्टेंस के साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक के अंदर इतनी खास वॉल्यूम्स भी नज़र नहीं आ रहे। वॉल्यूम्स की क्वांटिटी बढ़ती है तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी मोमेंटम जनरेट हो सकती है। और रिसेंटली जो ऑरेंज कलर की लाइन है 50 मूविंग एवरेज उसके नज़दीक स्टॉक आया है, तो नज़दीक आए मीन्स निवेश करने को एक चांस बन सकता है। स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से पुलबैक नज़र आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आया था उसी तरह स्टॉक पुलबैक कर सकता है।